In these bookmarks, I have represented the 10 avatars or reincarnations of Lord Vishnu with the help of worldly art of Maharashtra. First avatar, Matsya. Bhagwan Vishnu ka sabse pehla avatar machli ke roop mein tha. Aisa isliye ki prithvi par jeevan ka prarambh jal mein hua tha. Dusra avatar, Kasav. Bhagwan Vishnu ka दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है। तीसरा अवतार वराह। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए वराह देवता, जो कि जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं। चौथा अवतार नरसिंह। चौथा अवतार के रूप में भगवान विष्णु नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। पांचवा अवतार वामन देवता। भगवान विष्णु के पांचवे अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए, यानी नरसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अब बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। छठे अवतार परशुराम। अब विकास के क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता भी पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। सातवें अवतार प्रभु श्री राम। जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। आठवें अवतार श्री कृष्ण। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता राजनीतिज्ञ प्रेमी बनकर उभरे। नवे अवतार थे महात्मा बुद्ध। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। दसवां अवतार कल्कि। अंत में दसवां अवतार कल्कि भगवान आएंगे, जो कि कलयुग में पाप का अंत करेंगे। माना जाता है यह भगवान का अंतिम अवतार होगा।